की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी फिरोजाबाद के जिला सचिव मंडल की तत्काल हुई बैठक में प्रदेश के कई जिला में किसान नेताओं द्वारा काला दिवस मनाए जाने पर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के कई जिलों में किसान नेताओं एवं सीटू एवं खेत मजदूर यूनियन के नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी निंदा की। केंद्र और प्रदेश की सरकार मानवीय अधिकारों का हनन कर रही है। लोकतांत्रिक जनवादी अधिकारों का हनन जिला पुलिस प्रशासन द्वारा कराया जा रहा है। बैठक में जिला मंत्री सोनेश कुमार उर्फ सोनू चक, नवल सिंह एडवोकेट, पूर्व जिला मंत्री सचिव मंडल सदस्य भूरी सिंह यादव, जनवादी नौजवान सभा के जिला अध्यक्ष कॉमरेड ज्ञान सिंह, जनवादी महिला समिति की कुसुम लता शर्मा, पूनम यादव, कृष्णा देवी शर्मा, सनी कुमार आदि ने अपने विचार विमर्श किए और नेताओं की गिरफ्तारी की कड़ी आलोचना की। 26 मई 2021 को संयुक्त रूप से मनाया जा रहा काला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के नाम एक ज्ञापन सौंपते हुए सीटू के जनपद फिरोजाबाद का एक भजन मंडल श्रीमान तहसीलदार मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपते हुए हमारी प्रमुख मांगे इस प्रकार है। कोरोना महामारी के बचाव और संभावित तीसरी लहर से मानव जीवन और स्वास्थ्य को बचाने हेतु पर्याप्त ऑक्सीजन, पलंग, वेंटिलेटर्स, दवाइयाँ, डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ उपलब्धता के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएं। दवाइयाँ आदि की कालाबाजारी व बेतहाशा बढ़ती हुई कीमतों पर तत्काल रोक लगाई जाए। सभी को मुफ्त कोविड टीकाकरण और गैर कोरोना मरीजों के सभी बीमारियों का अस्पतालों, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में इलाज शुरू किया जाए। नंबर 3, सभी ज़रूरतमंदों को प्रति यूनिट 10 किलो मुफ्त अनाज एवं गैर आयकरदाता परिवारों को 7,500 रुपया अगले 6 माह तक नगद हस्तांतरण किए जाएं। मनरेगा में 200 दिन कार्य एवं 600 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से वेतन का भुगतान किया जाए। तीनों कृषि काले कानूनों को, बिजली बिल 2020 और मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिता को तत्काल रद्द किया जाए। MSP की कानूनी गारंटी की जाए। देश में चल रहे 6 माह से किसान आंदोलनों की मांग को स्वीकार किया जाए। नंबर 5, 22,000 करोड़ की लागत से बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा नया संसद भवन का निर्माण रोक कर इस धन से आधुनिक संसाधनों उक्त अस्पतालों को शीघ्र निर्माण कराया जाए। नंबर 6, कोरोना फ्रंट लाइन वर्कर्स को सभी सुरक्षा उपकरणों व 50 लाख का जीवन बीमा दिया जाए। सभी मानदेय और ठेका कर्मियों को 21,000 रुपया प्रतिमाह वेतन और उनका स्थायीकरण किया जाए। नंबर 7, महंगाई को रोक लगाई जाए। डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस के दाम आधे किए जाएं। नंबर 8, केरल मॉडल पर उत्तर प्रदेश में भी कोरोना बचाव, अस्पतालों में भी सुविधाएं तथा कोरोना काल में बिजली, पानी तथा राशन प्रति यूनिट 10 किलो अनाज मुफ्त दे दिया जाए। नंबर 9, उत्तर प्रदेश में आंदोलन पर रोक हटाकर जनतांत्रिक मानव अधिकारों का दमन और नफरती राजनीति बंद कराई जाए। नंबर 10, प्रदेश में गेहूं किसानों की खुली लूट बंद कर सभी किसानों का गेहूं MSP 1975 रुपये प्रति क्विंटल सुनिश्चित किया जाए। नंबर 11, जनपद फिरोजाबाद में कांच एवं चूड़ी उद्योग के बंद पड़े कारखानों को तत्काल प्रभाव से चलाया जाए। इसमें प्रशासन अपना हस्तक्षेप करें, अन्यथा की स्थिति में यहाँ मजदूर भूखा मारा जा रहा है। सारे मजदूर अपने अपने घरों पर बैठे हैं, रोजी रोटी का बड़ा अभाव है। रोजी रोटी न मिलने के कारण मजदूर भूखो मरने के कगार पर है। मैं जिला प्रशासन से मांग करता हूँ कि तत्काल कारखाने चालू कराए जाएं। आज 26 मई 2021 को संयुक्त किसान मोर्चा, अखिल भारतीय किसान सभा, सेंट्रल ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस एवं खेत मजदूर यूनियन द्वारा संयुक्त रूप से काला दिवस मनाए जाने के राष्ट्रव्यापी आह्वान के तहत हम जनता के जीवन से स्वास्थ्य एवं रोजी रोटी की सुरक्षा, तीनों काले कानून, कृषि कानून, बिजली बिल 2020, मजदूर विरोधी 4 श्रम संहिताओं को रद्द करने के साथ ही कोविड इलाज एवं अन्य समस्याओं पर आपसे तत्काल प्रभाव हस्तक्षेप के लिए आपसे समक्ष मांग पत्र प्रस्तुत कर रहे हैं। देखते रहिए
टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।